साहिल भाई जिंदाबाद। अरे मुर्दा नहीं भाई, जिंदा है। तो गाइस साहिल भाई का ये काम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है? साहिल भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप सब? ठीक ठाक? बज गए हैं मॉर्निंग के 10 और मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। देखो कपड़ा वगैरह सब तैयार कर दिया, तो फाइनली इतने दिन के बाद। और अब्बा भी आ गए, क्या बोलते अब्बा? हाँ भाई, हाँ भाई, अब्बा की आवाज चेंज हो गई, ठंडा पी है क्या? आवाज बंद हो गई है। तो अभी देखो मॉर्निंग के सिर्फ 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है। सब कपड़ा वगैरह पहन के काम की तैयारी हो गई है, एकदम मस्त दिल लगा के काम करेंगे, क्योंकि समझ लो इसी महीने मुझे वापस जाना है। तो इस वजह से जो भी है 10-15 दिन काम कर लेते हैं। सौलिया का कभी भी फोन आ सकता है, भरोसा नहीं है। और मैंने सोचा था ये अनबॉक्सिंग कल करने के लिए, लेकिन मुझे कल टाइम ही नहीं मिला। तो इस वजह से इंशाल्लाह शाम में आऊंगा ना काम पे से, तो यह आप लोगों को खोल के जरूर दिखाऊंगा कि क्या है इसके अंदर। चलो भाई कंधे पे रख लो, मैं अली निशाली बाटे ले लेता हूँ, ठीक है दोनों? वालेकुम अस्सलाम। साहिल वास्तार फुल मेहनत। वालेकुम अस्सलाम। अरे माँ गाड़ी लेकर आए तुम? तो तुम गाड़ी लेकर आते काम पे? तो पहले बताना चाहिए था ना, शाम को अपन घूमते थे ना बस। हाँ भाई एक्टिवा एक्टिवा लेकर आते हो? अरे माँ कसम बहुत बिल्ला। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं दुकान पे, और इधर से यहाँ से कौन सा घोड़ा लेंगे साले? 12 का ना, 12 का घोड़ा लेने का। और हिम्मत अंकल के पीछे देखो ये दुकान है, उसके पीछे हम लोगों का काम चालू है, तो वहाँ से जाएंगे गली से। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं साइड पे, और देखो ये वाली साइड है, अभी अंदर है पब्लिक, आएंगे तो हम लोग जाएंगे अंदर। घोड़ा वोड़ा सब लेकर आ गए हम लोग। तो गाइज हम लोग ने ना अंदर घर के अंदर ये घोड़ा लेके गए हैं, तो रूम की हाइट इतनी बड़ी है ना, तो ये घोड़ा बहुत छोटा पड़ गया, तो इस वजह से हम लोग इसको वापस कर रहे हैं अभी। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कितनी बड़ी हाइट है, क्योंकि अंदर सब लोग थे तो इस वजह से बना नहीं पाया, लेकिन अभी जाऊँगा ना दूसरा घोड़ा लेके, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अल्लाह हाँ, आराम से आराम से, मेरा हाथ पे ऐसा लग गया ये। चलो तो देखें अभी ये रस्सी वाला घोड़ा, अरे माँ लेकर जा रहे हैं हम लोग। साहिल क्या हुआ, देखो होश में नहीं लगता तू आज? हाँ अच्छा अच्छा, वहाँ गली में से बात आ रही थी ना। हाँ तो बस पहुँच गए हम लोग। चल हाँ, तो ये वाला घोड़ा आ गया एकदम परफेक्ट। देखो यहाँ तक हाथ आया क्या खंबे तक? बस बाप रे फटे आए थे। हाँ हाँ मैंने खत्म हो गया सड़कने का, बस ये अभी किनारे भरने का ना। तो गाइस मैं आप लोगों को सबसे पहले रूम दिखा देता हूँ कि कैसा है, फिर उसके बाद में हम लोग काम शुरू करेंगे, तो वो भी दिखाऊंगा आप लोगों। तो देखें पहले ये हिस्सा फाइनल करेंगे, फिर उसके बाद में कोर्ट माले पे जाएंगे। तो ये देख लीजिए अभी बहुत ही हाइट है, और ये देखिए बेडरूम है ये, और ये ऐसा है यहाँ पर। तो ये साइड की भराई करने के लिए हमारा पीओपी पुट्टी यहाँ पे रेडी है, तो चलो इसको बनाते हैं फटाफट और भराई करते हैं। तो हमारे साहिल भाई को ऊपर चढ़ा दिया मैंने, क्योंकि बहुत डर लग रहा था मेरे को। अब साहिल भाई ऊपर ऊपर काम करेंगे, और मैं नीचे नीचे, देखो ये सब है ना, इसको घसाई करके भराई करने का। तो गाइज हमारे वो रूम की भराई, हॉल की सिर्फ भराई और सफाई दोनों हो गई थी, तो वहां पर अभी 1 बज गए, तो हम लोग बोले चलो खाना ना खा के जाते हैं। तो अभी 1:30 बजे साहिल भाई बोलते 2 बजे खाना खाने गया, तो हम लोग चलो ठीक है, बोले क्या करेंगे, तो इन लोग की साइड पे आया देखो इधर पे, जो मैंने कल आप लोगों को दिखाया था ना, यहाँ पे वसीम भाई है और राजा है, और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह तब प्यारा कलर चालू है इन लोग का। तो हम लोग भी यहाँ पर पूरी आज दीवार पूरी फाइनल करके जाएंगे, क्या बोलते भाई? तो चलिए भाई एकदम फॉर्म में आ गए, ये देखो हमारा माल यहाँ है। तो पूरी एक दीवार एक हाथ पूरी फाइनल करने के बाद मिलते हैं माशाल्लाह, पूरा सीलिंग वीलिंग सब मार दिए लोग ने, देखो मार दिए थे। हाँ भाई इधर बड़े बड़े सब कारीगर तो मारेंगे ना यार। तो चलिए गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग
लोग खाना खा के आ रहे थे फिर से वही साइड पे, और देखिए यहाँ पे बेडरूम मतलब जो इधर पे वो कबाट रखा हुआ था हटा दिया, कबाट पलंग दोनों सब, और ये देखिए हमारे साइड पे ऊपर आराम से बाहर और मैं यहाँ के नीचे नीचे के फटाफट घसाई कर लेता हूँ और भराई कर लेता हूँ। तो हमारा खाना वगैरह सब हो गया, मिलते थोड़ी देर के बाद। तो इस साइड का भी समझ लो भराई वगैरह हो गई है और नीचे की सफाई वफाई एकदम मस्त अच्छे से भर दिए, और अभी छत का माल बना रहे साहिल भाई। हाँ भाई बनाओ। बहुत बिल्ली की तरीके से भाई हम लोग ने घोड़ा लगा दिया यहाँ पे देखो। सही इधर देख, इधर देख ना। तो देखिए गाइस हम लोग इस साइड का किस तरह मार रहे हैं, यहाँ पर जो सामने एंगल रखा हुआ है ना इस पे बांध के साहिल भाई चढ़ गए बोल ऊपर। साहिल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद में और मैं यहाँ पे एकदम लोड लगा के खड़ा हूँ ताकि कुछ हो ना। साहिल भाई जिंदाबाद, अरे मुर्दा नहीं भाई जिंदा है। तो गाइस साहिल भाई का ये काम कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। साहिल भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है, दो तीन नहीं भाई बहुत सारे लाइक हमारे साहिल भाई के लिए। साहिल भाई इज द डेंजर रॉकी। अभी बच चुके हैं रात के 7 और हमारे काम की छुट्टी हो गई है, हम लोग अभी जा रहे हैं घर पर और फटाफट जाके नहा धो के रेडी होता क्योंकि बहुत ज्यादा ही गंदा हो गया हमें, काम खत्म हो गया। अब्बा को फोन लगा रहे थोड़ा मुद्दे के लिए। हाँ ये देखो ये शफात स्कूल है ना, इसके बाजू वाली गली में ही काम चालू है। तो आ गया हूँ मैं घर पे और ये देखिए भाभी को कपड़ा दिया था धोने के लिए वो भी लेकर आ गया, और हमारे साहिल भाई ने लेकर आए हैं मैगी पीली वाली बोला था मैंने। अरे ये अच्छी बनती, पीली थी खास नहीं बनती है। अरे जाओ यार पीली लेके आए थे, तुम पीली का स्वाद क्या जानो भाई, मुझे पता है यूपी लेके आया तुमने क्या बोले खराब बनती है भाई। अरे यूपी भी एक नंबर बनती है। अरे जाओ बचपन से पीली खाने की आदत है, इस वजह से पीली पीली वो अच्छी लगती है पीली पीली। तो चलिए अभी तो देखो अभी तक मैं कुछ भी तैयार नहीं हूँ, बस तैयार हो रहा नहाया धोया नहीं, वैसी के वैसी पूरा हालत में है मेरी। सबसे पहले मैगी खाएंगे फिर उसके बाद में ही कुछ काम करेंगे। अरे हाँ यार वो बॉक्स भी अनबॉक्स क्या बोलते हैं अपना जो गिफ्ट दिए थे वो भी अनबॉक्सिंग करने का ना, मैंने कल का वादा किया था लेकिन कल के ब्लॉग में दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, इस वजह से नहीं दिखा पाया। मुझे कमेंट भी आया जुनैद भाई का, तो बोले भाई अनबॉक्सिंग तो तुमने उसकी की है नहीं, तो आज के ब्लॉग में करूंगा। तो गाइस देखिए मैंने पूरी मैगी एक साथ डाल दिया उसमें क्या बोलते हैं कढ़ाई में, छोटी कढ़ाई में, तो इसको तोड़ूंगा नहीं क्योंकि ना वो क्या बोलते हैं वो घसीटने बहुत मजा आती है। और मेरी क्या बोलते हैं कब्रिस्तान वाले ब्लॉग पे जो अम्मी का मैंने डाला था कल, उस पर ना बहुत सारे कमेंट आए कि अपने शादी की स्टोरी बताओ। तो देखिए शादी की स्टोरी तो मुझे याद है लेकिन मैं अकेला हूँ, मैं अकेला कैसे बताऊँ, अभी सालेहा भी नहीं है यहाँ पर। मैंने सोचा था कि अपनी एनिवर्सरी पे बताने के लिए लेकिन ऐसा माहौल ऐसा मौका नहीं मिला मुझे, तो इस वजह से थोड़ा उसको मैंने बोला चलो बाद में बनाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं जब क्या बोलते हैं जब दूसरा बेबी हो जाएगा ना फिर उसके बाद में इंशाल्लाह जब सालेहा यहाँ पर आ जाएंगे मेरे घर पे या उधर पे ही जैसा मौका मिले वैसे ही, सारा पानी डाल दिया मैंने, तो जैसा मौका मिले वैसे ही इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपनी अरेंज स्टोरी शेयर करूंगा क्योंकि मेरी लव मैरिज नहीं है मेरी अरेंज मैरिज है, ठीक है। तो जैसा भी है कैसा मुलाकात हुई कैसे आए और मतलब बहुत से लोग सोच रहे हैं मैं मुंबई का और वो नासिक के मुलाकात कैसे हुई, तो ये सब इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आप लोग ये सोच रहे हैं कि जब मैं बात करता हूं तो मेरे हाथ के रिएक्शन ऐसे ऐसे होते हैं, दरअसल मैं जब बात करता हूं ना तो ऑटोमेटिक ना मेरे हाथ के रिएक्शन होने लगते हैं, कुछ भी बात करता हूं तो हाथ मतलब ऐसा वो पोजीशन बता दे कि ऐसा है वैसा है ऐसा, तो ऐसी मेरी आदत है, ठीक है, कोई भी मतलब वो गलत मत समझना, ठीक है। तो अभी हमारी मैगी बन रही है गाइस, और कैसा मैं कुछ भी बोलने से पहले ना मतलब माहौल देखता हूं कि मतलब इस माहौल में बोलना सही है क्या नहीं सही है, तो इस वजह से मैं अभी तक नहीं बता पाया और बोलने भी मुझे थोड़ा डर लगता है, जैसे कुछ मतलब दिमाग में तो चलता है वो सब बातें लेकिन जुबान पे नहीं आ पाती है। अरे जो स्टोरी है ना अरेंज स्टोरी तो दिमाग में तो चलती है लेकिन जुबान पे नहीं आ पाती, और वीडियो के सामने मतलब बोलना
तो समझ लो एक 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 दो लोग तो देखते नहीं, इतने सारे लोग देखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा डर लगता है बताने के लिए। देख कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो जो लाइन वाइज पूरा चल रहा है उस पर कुछ क्या बोलते हैं ऊपर नीचे ना हो जाए, तो इस वजह से थोड़ा वो डरता हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, अगर मेरी क्या बोलते हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करें ऑल पे, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों तक जल्दी से जल्द पहुंच जाए, ठीक है। तो हमारी मैगी बस रेडी होने वाली है, तो एकदम फटाफट। जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर जो मुझे अच्छा कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, और जो बैड कमेंट करते हैं उन लोग के लिए इग्नोर, ठीक है। रिप्लाई देता हूँ कभी कभार, जब मन करता था देता हूँ, ऐसे रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट बनाए रखो। गाइज मुझे ये चीज जरूर कमेंट करके बताना, मतलब मेरे पहले के ब्लॉग में और अभी के ब्लॉग में कुछ फर्क है, मतलब मेरे बात करने में और जैसा मैं पहले ब्लॉगिंग करता था अभी वैसा हो, मतलब सेम हो रहा है कि कुछ डिफरेंट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो मुझे ये बात जरूर कमेंट करके बताना। तो ये अभी खाली है, अभी इसको भरेंगे प्लेट को। चलो फटाफट हमारी मैगी, कितने मिनट में बनी भाई? 5 मिनट। 5 मिनट में बन गई? ओह माशाल्लाह, देखा तेरे भाई को एकदम 5 मिनट में बना दिया अच्छी खासी मैगी। अरे महा छूट रहा है, अल्लाह हाथ से छूट गया। देखो तो मैं तो सोचा था कि साहिल को कढ़ाई में खिलाऊंगा, लेकिन बोलेगा बोलता है नहीं भाई कढ़ाई में खाऊंगा तो मेरी शादी में बारिश होगी, तो इस वजह से उसके लिए प्लेट में निकाला है। साहिल अगर तेरी शादी में बारिश होगी तो क्या करेगा? क्या करूंगा? हाँ भाग जा ना मंडप देखेगा ना दुल्हन देखेगा, फिर शादी हॉल में करेगा। वो भी कौन से हॉल में? कौन से हॉल में करें? अच्छा महाड़ा में, वो डीमार्ट के बाजू में। अरे माँ देख, हॉल में करेगा हमारा भाई शादी, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो भी एकदम बिल्ले वाले हॉल में, और हॉल का पता है मतलब इतना प्यारा हॉल है, और उसका प्राइस क्या है? पता है क्या है? 18,000 एक दिन का। ओहो साहिल मुद्दे वाला है साहिल। लेकर आना था उमेर को ट्यूशन से, तो वो मैं लेकर आ गया। तो चलिए है फटाफट नहाने धोने की तैयारी करते हैं गाइस। ये मैंने ले लिया हूँ क्योंकि मेरे 10 किलो की बाल्टी है ना, अब्बा लेके चले गए हैं साइड पे, तो इस वजह से इसमें पानी गर्म करूंगा आज मैं, क्योंकि हल्की फुल्की समझ लो ठंडी है, इतनी भी नहीं है, लेकिन मैं अगर ठंडे पानी से नहाऊंगा तो मुझे डबल सर्दी हो जाएगी, तो इस वजह से पानी गर्म कर लेता हूँ फटाफट हीटर में। और हमारा हीटर किधर है? हीटर प्रकट हो जाओ। तो ये आ गया हमारा हीटर, और इसका वायर ना माशाल्लाह बहुत अच्छा है, उधर पे लगाऊंगा ना तो इतना दूर रखा हूं मैं, फिर भी पूरा वायर इधर पे पूरा पहुंच जाता है, एक नंबर रख दिया। A few moments later. तो गाइज हो गया हूं मैं फ्रेश, और अब बारी है गिफ्ट को अनबॉक्सिंग करने की। तो पहले नाम देख लीजिए आप, नाम क्या लिखा है? फातिमा मापा टू, नहीं सॉरी फ्रॉम मापा टू फातिमा। ये है शफीक भाई और आसिफा भाभी की तरफ से, और ये है मुशब अंसारी फातिमा शबनम और मुसद्दिक भाई की तरफ से। तो चलिए इसके अंदर क्या है फटाफट देख के फटाफट देखते हैं अनबॉक्सिंग करके आ जाओ। तो चलो पहले शफीक भाई का अनबॉक्सिंग करेंगे। 1, 2, 3 ये खुल गया फातिमा के लिए। मूल बटर, ओह अमूल बटर के बॉक्स में पैक करके लेकर आया। ये देखो, ये मेरे को पता है ये कहाँ से पैकिंग करवाए, जहाँ से हर बार भाई भाभी पैकिंग करवा देना भाई से, वो उधर पे अपने क्या बोलते हैं अपने गंगाराम वाले, बस उधर से। ओह माशाल्लाह ये कितनी प्यारी गाड़ी है फातिमा के लिए, देखो ये ऐसा दबाएंगे ना ऐसा ये चलती है। ओहो मैं ब्लॉग में देखा था, ये देखो ये ऐसी है, आगे कर एकदम इसके इसके करीब कर, ये तो हाँ गाड़ी ऐसी है। अरे वाह, तो ये गाड़ी ऐसे दबाएंगे ना मुंडी तो ऐसे चलती है, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा गिफ्ट है फातिमा के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया शफीक भाई और आसिफा भाभी, बहुत प्यारा गिफ्ट देने के लिए। फातिमा के बर्थडे में दिए थे, तो फातिमा का बर्थडे तो चले गया, मैं ससुराल में था तो इस वजह से वो यहाँ पर लेके रखे थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों जन का। और चलिए अब बारी है शबनम का अनबॉक्सिंग करने की, तो चलिए अब शबनम का क्या बोलते अपना गिफ्ट ओपन करते हैं जो शबनम ने दी है। तो इसके अंदर क्या है? अरे माशाल्लाह इसके अंदर तो प्यारे प्यारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे,
ओहो माशाल्लाह, शबनम ने देखो इतना प्यारा गिफ्ट दिया फातिमा के लिए कपड़े। मेरे ख्याल से हाँ आ जाएगा फातिमा को, तो बहुत ही अच्छा लगा गाइस। देखिए कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताना। और शबनम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, शबनम ने भी फातिमा के बर्थडे पे गिफ्ट की थी। वही मैं बोलूंगा, मैं ससुराल में था या नहीं था, तो इस वजह से शबनम आई थी ना भाई के घर पे, तो भाई को ये मतलब दे दी, बोली छोटू को दे देना आएगा, तो वो फिर क्या बोलते अपना, मैं आया तो मुझे गिफ्ट दे दिया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम और मुसद्दिक भाई, दोनों जन का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखे और दुआ में याद रखें।